कानपुर शहर के सभी विद्वजन, प्रबुद्धजन और वरिष्ठजन सबको मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। मेरे लिए तो ये सुखद अवसर है कि छोटे से आग्रह पर आप सब लोग इतना समय निकालकर यहाँ पहुँचे। कोशिश करेंगे आपकी इस उदार को पूरे तन मन से कभी चुका सके। पहली बात तो ये है कि मैं किसी तरह की कोई व्यापारिक बात नहीं करना चाहूंगा, न मैं किसी तरह की राजनीति की बात करना चाहूंगा। ये मैं बिल्कुल शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारा मंतव्य नहीं है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे यहाँ कानपुर में आज बैठे हैं तो आपके कानपुर के बारे में आपका खुद का सपना क्या है, उस सपने को पूरा करने में हम कहाँ अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो वो जनजीवन भी है, मूर्त है, आने वाला समय भी है जिसके लिए हमें तैयारी करनी है। कुछ चीज़ें पीछे छूट गई उनका भी पुनरावलोकन करना है, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि हम एक कोरोना जैसी महामारी से निकल के आए। हमारी जिंदगी के प्रति जो नजरिया था, दृष्टिकोण था, बहुत बदल दिया इस एक झटके ने। हम जिस तरह से किसी अहंकार के साथ या विवेकहीनता के साथ जी रहे थे, फैले हुए थे, सबको अपनी अपनी जगह वापस समेट दिया, अपनी हैसियत समझा दी। जितनी अनावश्यक चीजें, मैं आज भी अगर वापस सोचूं तो सबसे बड़े कारखाने कौन से बंद हुए जिनमें वो सामग्रियां बनती थी जो आवश्यक नहीं थी, अनावश्यक थी, रोड में थी, ग्लैमर में थी, विकास के नाम पर थी, वो छूट गई सारी। आज हम एसेंशियल्स पर आके खड़े हो गए। जो संबंधों की जो नई कड़ी जुड़ी इस एक महामारी से, वो तो केवल परिवारों से ही नहीं जुड़ी कि हम बंद हो गए थे, पूरे समाज को बहुत हद तक एक जगह लाके खड़ा कर गया इस महामारी ने। आपके शहर के बाहर से कौन गुजर रहा है, किसी ने चिंता ये नहीं की कि कौन सी जात का है, कौन से गांव का है, कौन सी जगह का है, और सारा शहर उनकी मदद के लिए दौड़ उठा। कोई खाना खिला रहे, कोई इलाज के लिए जा रहे, कोई अस्पताल की व्यवस्था हो रही है, दवाइयों की व्यवस्था हो रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे अवसरों का दुरुपयोग भी करते होंगे, तो ये तो हम मान के चले कि सुर और असुर तो जीवन में साथ ही रहेंगे, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। जब पत्रिका की हम दो तीन सिद्धांत हैं हमारे पास जिनको लेकर हम जनता के बीच खड़े रहते हैं, पहली चीज तो ठीक है समाचार का एक मीडिया का घराना है, पर और भी हम ये देख रहे हैं कि आप लोग भी देख रहे हैं कि अब समाचारों की उत्सुकता वैसी नहीं रही जो आज से 50 साल पहले थी। आज ज्यादातर लोग रात को सब समाचारों की विस्तार से सब जानकर देख करके सोते हैं, तो वैसी उत्सुकता नहीं है समाचारों की। अब प्रश्न ये है कि कौन सी उत्सुकता बची है जिसके लिए आज सुबह आदमी अखबार को हाथ लगाएगा, ढूंढेगा, एक प्रश्न तो हमारा ये है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये है कि सुबह उठ के इतने 100-200 सालों में हमारा आदमी करता क्या था इस देश का, आज क्या कर रहा है। तो मुझे अपनी जगह वहां बनानी पड़ेगी जहां वो कोई चीज बैठी हुई है, उस कुर्सी को मुझे खाली करवा के अपने लिए
जगह निकालनी पड़ेगी ताकि मैं उस जीवन का हिस्सा बन सकूं, नहीं तो उत्पाद बन के रह जाऊं। उत्पाद का मतलब तो ये एक काम आया और फेंक दिया उसको। हमारा लक्ष्य उत्पाद बनने का नहीं है, जीवन का हिस्सा बनने का है। और सही कहें तो हमारे मूल में यही है कि हम सब एक परिवार है। हमारे न कोई ग्राहक है, न कोई एजेंट है, न कुछ है, हम सब मिलके एक वृक्ष हैं। समय के साथ बढ़ते हैं, सब मिलकर इसको हरा भरा रखते हैं और कोई एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकता। न एक पत्ता दूसरे पत्ते के लिए जीता है, हर पत्ता स्वतंत्र रूप से जी भी रहा है, फिर भी हम इस अपना एक स्वरूप परिवार जैसा इस अखबार को हमने बना रखा है। और शायद यही एक वो कारण है जिसके कारण लोगों के मन में हमारे प्रति इतना विश्वास है कि हम अपने बजाय पूरे पेड़ को हरा भरा रखने के लिए काम करते हैं। उसमें लोकतंत्र भी है, वो हमारी पहली भूमिका है कि हमें लोकतंत्र का सेतु है, चौथा स्तंभ नहीं है। ये भूल हो जाएगी अगर मैं ये बोलूंगा तो, क्योंकि स्तंभ तो हमेशा सरकार का हिस्सा होता है। संविधान में तीन स्तंभ हैं, मैं ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता कि मैं चौथा बन जाऊं। मैं सेतु हूं जनता और सरकार के बीच और सेतु ही रहूंगा। उसी में मेरी इज्जत भी है, उसी में मेरा धर्म भी है। और इसीलिए शायद हमको सरकारों की, जो अभी आपने भुवनेश जी से सुना, सरकारों का को पालन बनना पड़ता है। वो इसीलिए बनना पड़ता है कि हम जनता के साथ, जनता की आवाज बनकर सरकार के सामने खड़े रहते हैं। आज जनता भी बदल गई है, समाज बदल गए हैं, समाज का ढांचा बदल गया है, सरकारों का ढांचा बदल गया। आज देखिए कितनी तरह के समीकरण सरकारों में बनने लग गए जो कभी थे नहीं। और हमें उन सब के बीच में से अपने धर्म का निर्वहन करते हुए गुजरना है। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हमें तटस्थ भी रहना है, सरकारों से संघर्ष करना है और जनता के जो भी आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, दुख सुख के मुद्दे हैं, उसमें साथ भी रहना है। ये कहना आज की बहुत बड़ी जरूरत हमको लगती है, आपको भी लगती होगी कि आज समाज जिस शिक्षा के दौर से गुजर रहा है, वह शिक्षा हमें इस देश की संस्कृति से दूर ले जा रही है, हमें भारतीयता से दूर ले जा रही है, हमारा चिंतन माटी से अलग होता जा रहा है। हमारा मीडिया का एक दायित्व है सामाजिक शिक्षा का, तो इस भूमिका में शायद हम सबसे गंभीर रूप से जुड़े हुए हैं। शिक्षा को किस तरह देखा जाए, मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज शिक्षा में हमको क्या मिल रहा है। दो चीज तो सामने दिखती है कि अच्छे उच्च शिक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, वो ये सोचते हैं कि हमको अच्छा कैरियर, अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। इसका अर्थ ये हो गया कि शिक्षा केवल मेरे पेट से जुड़ गई, बस इस डिग्री का मेरे पास कोई दूसरा उपयोग ही नहीं है। तब मुझे पेट भरने के लिए 20 साल लगाने पड़ेंगे और अपने माँ बाप की उम्र भर की कमाई खर्च देनी पड़ेगी, और उसके बाद भी मैं सिवाय अपने परिवार का पेट भरने के कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूँ। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि शिक्षा का ये स्वरूप इस देश को कहाँ लेके जाएगा। और क्या शिक्षा का अर्थ भी यही है कि मैं अपना पेट भर के चला जाऊं
मैं समझता हूँ मनुष्य जीवन का तो ये भाव कभी हो नहीं, ना संभव नहीं, हो नहीं सकता, और अगर है तो मेरी जिंदगी की सार्थकता ही खत्म हो गई। अगर मैं एक बीज हूं और पेड़ नहीं बना तो मेरा जिंदगी वैसे व्यर्थ है। तब से यहीं से हम देखे तो मुझे शिक्षा ये सिखाए कि मैं पेड़ कैसे बनू, और पेड़ बनूंगा तो उसके फल लगेंगे, फल तो मैं नहीं खा सकता। अगर मैं बीज हूं तो अपने फल तो नहीं खा सकता। शिक्षा तो सिखा रही है तुम अपना फल खाओ, फिर पेड़ कैसे बनोगे। बहुत बड़ी जीवन की एक दृष्टि का अभाव इस शिक्षा ने हमको पैदा करके दिया कि मैं अपने लिए जीना चाहता हूं बस, या दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने अपने पिताजी को ने जो कुछ मेरे लिए छोड़ा उसको भी मैं भोग रहा हूं, अपना जो कर रहा हूं उसको भी मैं ही भोगना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ने के लिए कुछ तैयार नहीं। तब मेरा समाज आने वाला उन बच्चों के भरोसे क्या बनेगा, ये दूसरा प्रश्न है जो इसी शिक्षा में से निकलता है। एक शिक्षा से और महत्वपूर्ण प्रश्न निकल रहा है कि हमारे शरीर के अध्यात्म में चार हिस्से हैं। एक शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है। इस शिक्षा में शरीर है और बुद्धि है, IQ है। मन की चर्चा नहीं है, आत्मा की चर्चा नहीं है। तो उसका अर्थ यह है कि हम जितने ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही शरीर और बुद्धि तो मेरा बहुत विकसित होगा, और मन और आत्मा उतना ही घटता चला जाएगा। यानी मेरी शिक्षा मुझे अपूर्ण बनाएगी। जितना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे इस शिक्षा के आधार से उतनी ही अपूर्णता मेरे जीवन से जुड़ेगी। इसको समझना बहुत बड़ी बात है। अब ये दायित्व सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, माँ बाप ने भी छोड़ दिया, वो अपने बच्चों को 10 मिनट नहीं देते। किसके भरोसे वो बच्चे इस देश के कर्णधार बनेंगे, नहीं मालूम, सचमुच नहीं मालूम। कहाँ उनके मन की परिपक्वता कहाँ से होगी, कहाँ से वो जीवन के इन सत्यों को सत्य। और खाली अगर आपने पेट भर लिया 2-5 लाख रुपए कुछ भी महीने का कमा लो, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप समझदार हो गए या आप अपने जीवन की कष्टों से संघर्ष कर सकते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं, प्रकृति को समझ के उसके साथ अपना संबंध को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। और आज तो इतनी स्थूल दृष्टि भी नहीं है कि कानपुर का बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद भी ये नहीं बता सकता कि कानपुर का भूगोल क्या है, यहाँ क्या पैदा होता है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से गहने होते हैं, कौन से पशु पक्षी होते हैं, पहाड़ नदियों के नाम पढ़ाया नहीं जाता। तो बड़ा हो कि क्या कहेगा, मैं कौन से कानपुर से हूं जहाँ कपड़ों के कारखाने थे आज बंद पड़े हैं। समझना तो चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि को मेरी नई पीढ़ी तक मुझे पहुंचाना है कि वो कैसी तैयार हो और मैं उनके लिए क्या छोड़ के जाऊं। और जब माँ बाप ने हाथ छोड़ दिया, इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं है। आज किसी भी माँ बाप के पास वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ बैठ के एक नियमित क्रम से बैठ के, जैसे रोज सुबह कभी आरती होती थी, घरों में पूजा होती थी, रामायण महाभारत पुस्तक कुरान गीता किसी के पाठ हुआ करते थे, सब बंद हो गए। समझे, पर बच्चों को तैयार करना इन सबसे महत्वपूर्ण है, इससे बड़ी प्रार्थना ही कुछ नहीं हो सकती। हमने उसको भी छोड़ दिया, पर किसके भरोसे छोड़ा ये किसी को समझ में अभी भी नहीं आया। ये मोबाइल फोन के भरोसे, ये मैं आपको कहना हूं आज से 5 साल के बाद देखिए, इसमें 5G होगा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, आपके बच्चों के पास आपकी तरफ मुंह करने का समय नहीं बचेगा। अगर उस उनको अभी से हमने वापस, लेट हो गए कोई बात नहीं, ईश्वर से कहें कि हमारी मदद करे, हम उनको वापस अपने से एक बार जोड़ दें। आज आप एक संकल्प करके जाओ, मैं गुजारी प्रार्थना करता हूं कि आधा घंटा 40 मिनट
अपने बच्चों को रोज देंगे और कुछ भी नहीं, ये एक छोटा संकल्प मेरे लिए आज आपका। इस देश की पूरी तस्वीर बदल जाएगा। वही बच्चा आपका कानपुर होगा, वही बच्चा आपका हिंदुस्तान होगा, और वैसा ही होगा जैसा आप बनाएंगे। उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, न सरकार कोई मदद करने वाली है, न समाज कोई मदद करने वाला है, न कोई धर्म मदद करने वाला है। हमें अपने बूते को बड़ा करना है, और ये पत्रिका का लक्ष्य है कि समाज में व्यक्ति के बूते को बड़ा करे, मजबूत करे, दृढ़ संकल्प के साथ उसे बड़ा करने की कोशिश करे। सत्य में निष्ठा आज हम कहीं नहीं है, शास्त्रों में किसी नहीं पीढ़ी की निष्ठा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आज भी अगर कोई गीता की बात करेगा तो वो गीता के श्लोक पढ़ के सुना देगा, इसका मतलब ये है, मतलब ये, उसको क्या लगा? उसको तो नींद आने लग जाएगी, उसके कैसे काम आ सकता है वो श्लोक? उसको कोई ये नहीं समझा रहा कि इसमें तुम्हारे मतलब का रास्ता तो ये है जो तुम्हारे काम आएगा। अब वो ये बात किसी भी शास्त्र पे लागू कर ले, पुराणों पे भी, पुराण सारे विज्ञान के ग्रंथ हैं, वेद सारे विज्ञान के ग्रंथ हैं, गीता पूरा विज्ञान का ग्रंथ है, और हम उनको दर्शन शास्त्र की तरह पढ़ा जाते हैं, मनोविज्ञान की तरह पढ़ा जाते हैं, और बहुत खुश होते हैं कि हमको बहुत समझ में आ रहा है, पर जो उसमें है वो अभी भी कोई समझा ही नहीं रहा है। जब कृष्ण कह रहे कि मैं ही अर्जुन हूँ, तो जो पढ़ेगा वही अर्जुन होगा ना, तो आप और हम अर्जुन क्यों नहीं है? यदा यदा धर्म सिखलाने का अर्थ क्या है? रोज बाजार में, रोज मोहल्लों में, समाज में गलतियां देख रहे हैं, हमें खड़ा होकर लड़ना है, ये उसका मतलब निकलता है हर क्षण, क्योंकि सबके अंदर बैठा है ना, उसको कौन सा युग चाहिए, सारा हर क्षण उसका है। सवाल है उसका, जागरूकता की सवाल पड़ता है कि मुझे उन परिस्थितियों के लिए जागरूक रहना है, बस और कोई अर्थ नहीं, दो अर्थ नहीं है, और इस जागरूकता को बनाए रखने का काम ही पत्रिका या हमारे मीडिया के माध्यम से हम कर रहे हैं, और वो नहीं होगी तो अगर आप ये मेरी मदद करो, बच्चों को आधा घंटा दे दो, देखो एक महीने एक साल के बाद आपको ये लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो कहीं बड़ी मुश्किल में ये परिवार पड़ गया होता। ईमानदारी से कहता हूँ आज आपको, आज तो स्थिति ये हो गई कि घर में दो पैसे आते हैं, सबसे पहले बच्चों को बाहर भेजते हैं, हॉस्टल में भेजते हो, माँ बाप को लगता है नहीं जरूरत में कि बच्चा मेरे पास रहना चाहिए, उस आत्मीयता का ममता का आवाज से लेकर सबके भाव बदल गए, मतलब बदल गए। और ऐसा भी नहीं है कि ये यथार्थ है, यह यथार्थ भी नहीं है, मैं सब यहाँ बैठ के कहूँगा मेरा बच्चा दून में पढ़ता है, लेकिन घर जाके मैं पूछूंगा यार बेटी नींद आई नहीं आई, खाना खाया कि नहीं खाया, रोज एक फोन फोन पे बैठा रहना, तो फिर ये दो तरह की जिंदगी में खुद से झूठ बोल रहा हूं, कमाल है तो फिर मेरे बच्चे को सत्य कौन सिखाएगा? आज वो तकलीफ में भी होगा तो हम उसके काम नहीं आ पाएंगे, तो इससे खराब स्थिति जिंदगी में और क्या हो सकती है। हमें जीवन के प्रति इन मूल्यों को, दृष्टिकोणों को वापस बदलने की जरूरत है, ये बहुत आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि मेरा संपर्क सबसे पहले मेरे संतान के साथ हो, पिता वही जायते पुत्र, जो पिता है वही वही बेटा होता है, संतान होती है, दोनों अलग अलग नहीं होते, वो खराब हो रहा तो मैं खराब हो रहा हूँ, वही मेरा कल प्रतिनिधि है तो वहां भी मैं खराब होऊंगा कि उन्हीं का बेटा जी क्या आज ये कर। हमको कई तरह से इस बात को समझने की जरूरत है, और वो उसका नुकसान कहाँ आ रहा है, खाली इतना सा नहीं आ रहा, इस करियर ने घर से तो दूर किया सो किया, माटी से दूर कर दिया, इसको हमें और गहराई से गंभीरता से समझने की जरूरत है। आज का आदमी माटी से दूर होता चला गया, शिक्षा का सबसे बड़ा अभिशाप है वो ये है कि मैं आज देश की चिंता नहीं करता, अपने आगे मेरी चिंता करता हूँ, आपके लगे आप करना चिंता, मेरे लगेगी तब मैं चिल्लाऊंगा, आपके लगने से मेरे दर्द नहीं होता। बहुत बहुत
मुश्किल है। जिस समाज हम अब तक समाज व्यवस्था में जी रहे थे, वो समाज व्यवस्था इस टेलीफोन से खत्म हो जाएगी। आदमी अपने लिए जीने लग जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा। आज हम बहुत गर्व करते हैं, हम इस संस्था के ये संस्थाएं नहीं। आज जो हाल पश्चिम में है, कल वही हाल हमारे यहाँ होने वाला है। इसी विडंबना को हमें आज ही समझ लेना है कि कितनी बड़ी त्रासदी इस देश में गटने वाली है। बहुत माटी से नहीं जुड़े तो फिर मुझे तो लगता है फिर हम किसी से भी नहीं जुड़े, न हम पेड़ बन पाएंगे। अगर मेरी छाया में कोई बैठ नहीं सकता, अगर मेरे पेड़ में कोई घोंसले नहीं बना सकता, अगर मेरे आम कोई समाज का आदमी नहीं खा सकता, तो मेरे पेड़ बनने का कोई अर्थ नहीं रह गया। वे पेड़ बना ही नहीं। तो लक्ष्य तो मेरा यह है कि अगर मैं बीज हूं तो मुझे पेड़ बनना ही है, नहीं तो फिर कोल्ड स्टोरेज में रख दो, एक उम्र पाके खत्म हो जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। अब उस स्थिति में हम जैसे मीडिया हाउसेस का हमको जो संस्कार दे गए हैं पिताजी गुरुजी हमारे, वही हम उसी के लिए घूम रहे हैं, तप रहे हैं। हमारे पास दूसरा कारण भी कोई नहीं है। हमें सबसे पहले आने वाली इस पीढ़ी को जमीन से जोड़ना है। खबरों से कोई वास्ता नहीं, व्यापार से इसका वास्ता नहीं है, पर इसमें आप अगर मदद नहीं करेंगे तो हम भी अकेले कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपकी मदद इतनी सी काफी है कि आप रोजाना समय आधा घंटा पौन घंटा जीवन की बात करें, उससे और कुछ नहीं। और वो भी करना नहीं आता है तो अपनी पुरानी कहानियां सुना दे आधा घंटा, चलो 6 महीने बाद उसमें से रास्ता ईश्वर दे देगा कि आगे आगे क्या करना है। पर यहां से शुरुआत घर से ही होनी पड़ेगी। ये समाज में और कहीं से नहीं हो सकती, यूनिवर्सिटी कॉलेज से नहीं हो सकती और प्रवचन से भी नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल रास्ता है कि हमें खुद अपने घर से इसको शुरू करना है। अभी आपने सुना कि हमारे अमृतम जलम एक बड़ा अभियान है, तो वो अभियान का एक स्थूल लाभ है ये कि कुएं तालाब की मिट्टी जो है वो साफ हो जाती है, हर साल पानी थोड़ा ज्यादा भर जाता है तो गांव में खुशी आती है। ये एक स्थूल दृष्टि है और देखने में लगता बहुत अच्छा है, क्योंकि लाखों लाखों आदमी काम कर रहे हैं, छोटे मोटे नहीं, लाखों। एक एक गांव में जाओ, जिस तारीख का आह्वान है, आप किसी भी स्टेट में जाइए तो सब जगह आपको लोग उसी गर्मी में मई जून में खुदाई करते हुए मिलेंगे। वैसे तो इससे बड़ा आशीर्वाद ईश्वर कुछ दे ही नहीं सकता कि आपके कहने से इतने लोग इतना बड़ा काम हाथ में लेके उतर रहे हैं। फिर लेकिन इसका दूसरा पीछे अर्थ क्या है? तालाब जब भर जाएगा तो उसकी खुशी किसको होगी सबसे ज्यादा? जिसने उसकी मिट्टी निकाली। मैं बाहर से देखूंगा बहुत अच्छा लगा आज जबकि पानी जो है 6 इंच ज्यादा भरा, ठीक है। मेरे दिमाग चल रहा है, दिमाग की धरती पे कोई कीमत नहीं है इंसानियत के अंदर। कीमत है तो दिल की है, क्योंकि यह मिठास है, मिठास नहीं है। यहाँ जोड़ने का रास्ता नहीं है, टूटता है संबंध, मन से जुड़ता है। और उस आदमी का मन खुश होगा जिसने मिट्टी निकाली है, तो उस मिट्टी से जुड़ रहा है। इसको समझना पड़ेगा कि हम उस पीढ़ी को मिट्टी से जोड़ रहे हैं, माटी से जोड़ रहे हैं, इसके कर्जे को चुकाने के प्रति उसको जागरूक कर रहे हैं। हम उसको कहते हैं अपने एक जन्मदिन पे एक पेड़ लगा दो, तो 5-10 साल के बाद अगर वो उधर से निकलेगा तो देखेगा कि मेरा वो पेड़ यहाँ है या नहीं है, तो वो जमीन से जुड़ा हुआ बंधा हुआ है। तो हमारे सारे जितने सामाजिक सरोकार हैं वो इसी दृष्टि को ध्यान में रख के किए जाते हैं कि वो नई पीढ़ी को जमीन से जोड़े कैसे। तब एक मुट्ठी अनाज आप समझते हो अकाल में कोई मदद हो सकती है? नहीं होगी। पर वो बच्चा 20 साल बाद 40 साल बाद भी याद करेगा कि हम स्कूल में थे और अकाल के समय अपने भाई भाइयों के लिए अनाज ले जाते थे। देखिए वापस उसी धरती पे मिट्टी से जोड़ने का ही एक सारे अभियान है जो हमको आगे से आगे नया रास्ता देते हैं।
पर अगर आप इस काम में जुड़ जाएं, मैं समझता हूं कि हमें बच्चों को उंगली हमको पहले पकड़नी है ताकि ये नहीं छूटे, तो फिर उसके सामने कई भी चीजें आए, आपने उसको ऐसा गढ़ा बना दिया कि उसको फिर बदल नहीं सकता, फूट जाएगा, बदलेगा नहीं। आज बदल रहा है, जितने बुजुर्ग बैठे अपने अपने पोते पोतियों को देख लो, कोई भी आपकी तरह नहीं सोचता, कोई आप जैसे खाता नहीं है, पहनता नहीं है, सुनता, उसको देखे हमारे नाक के नीचे से देखे तो सही धरती के सगड़ ही है। और हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी थी, इस परंपरा में मेरे घर में ये होता है, ये होता है, कहाँ होता है, आज पीढ़ी को देखो तो सही कहा जा रही है, तो हमको असलियत समझ में आ जाएगी। और क्या आप आश्वस्त हैं कि उसके सहारे उनके जीवन में कष्ट नहीं रहे, वो कष्टों से संघर्ष नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें उनको जीवन के उन मूल्यों को भी समझाना पड़ेगा और धरती से भी जोड़ना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये दो तीन चार बातें जो पत्रिका के जहन में रहती हैं, हमारे कामकाज के जहन में रहती है, उसी के आधार पर हम मूल में बाहर निकलकर सबको जोड़ने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि फाइनली हमें ईश्वर की सत्ता के साथ ही चलना है। जहां हम सब एक धरातल पर हैं, बाहर सब अलग अलग दिखते होंगे, भीतर अंदर अलग नहीं हो सकते, न हैं। इस बात को कम से कम हम इस दृष्टि, हमने कभी कहा मैंने कि हम किसी को न ग्राहक मानते न कोई पाठक मानते, पाठक हमारा ईश्वर है, बस ये हमारा अल्टीमेट गोल जो काम करने का वो यही है कि पाठक सदा हमसे प्रसन्न रहे तो हम रहेंगे, नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। हमारी हमारा अस्तित्व पाठक के पीछे है, इसलिए वो हमारा भगवान है। हम किसी को भी आज 365 दिन मनाकर राजी करने का प्रयास नहीं करते सिवाय पाठक के, तो पाठक ही तो भगवान हो गए, भगवान से बड़ा हो गया, क्योंकि भगवान के लिए हम 365 दिन प्रयास कहाँ करते हैं, भूल जाते हैं उसको। जरा सी खुशी आती है सबसे पहले भगवान को भूलते हैं, तकलीफ में याद करते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि अब सुबह 5 बजे कम से कम मैं राजस्थान मध्य प्रदेश जैसी जगह की तो बात आपको बता सकता हूँ कि अगर अखबार आधा घंटा फोन कर तकलीफ हो जाए सुबह, तो आपको जो पाठक है ना घर के बाहर चलता हुआ मिलेगा, पता नहीं कहाँ अटक गया, क्या हुआ, मेरा दिन शुरू नहीं हो रहा है। देखिए उस बेचैनी को हमें समझने की जरूरत है, क्यों व्याकुल हो रहा है, क्यों वो दूसरे ग्रंथ नहीं पढ़ रहा उतनी सी देर के, भाई ठीक है आज आधा घंटा लेट आया तो मैं फिर वापस पुराने ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ, नहीं, ये हमारी उपलब्धि है, कभी वो विश्वास अर्जित किया कि हमारे लिए आवाज देते ही वो जो काम हम बताते हैं उतर रहा है। तो ये जो बेचैनी है यही है वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी कहो या हमारे उद्देश्य को लेकर के या हमारी मंजिल का हो, उसको हम ईश्वर मानकर जो हमारा आदमी अखबार लेके उसके दरवाजे पे जाएगा वो हमारा उस ईश्वर का पुजारी होगा, जो अखबार उसके हाथ में है वो उसकी पूजा की थाली होगी। इतना दूर हमें इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा होगा वो यहां से नहीं होगा, सब यहां से लिखा होगा, पूरी सम्मान के साथ उसके जीवन के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और पूरी सम्मान के साथ। आपको इसमें हम इसको आत्मीयता का अखबार कहते हैं, द न्यूज पेपर विद द सोल, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें शरीर मन बुद्धि और आत्मा चारों धरातल, मुझे नहीं मालूम आज का किसी ने अखबार पढ़ा हो डिजिटल पे तो आप देखना, आज भी जो एक लेख है उसमें एक देह में दो शरीर है, तीन शरीर मानते हैं लेकिन मेडिकल साइंस एक मानती है, हमारे एक नहीं मानते, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इस तरह की चीजों को हम भारतीय संस्कृति ज्ञान और पूरे शास्त्रों के ज्ञान को नई भाषा में नई वैज्ञानिक परिभाषाओं के साथ घरों तक पहुंचाते हैं, तभी तो कहा सब घरों में अगर कटिंग उपलब्ध है, बुजुर्ग महिलाएं बेटी बहुओं को अगर पढ़ाती है तो उसमें कुछ ऐसा है जो आज पुस्तकों में नहीं है। माँ बाप पर आज तो माँ भी अपनी बच्ची को तैयार नहीं करती कि उसे अगले घर में जाके क्या करना है, अच्छी माँ कैसे बनना है,
वास्ता ही नहीं है, लड़के को भी नहीं बढ़ा रहे तो लड़की को भी, दोनों बराबर है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? आप बिना किसी तैयारी के किसी की दूसरी जगह भेजोगे तो आपका भी नाम बिगड़ रहा है और उसकी जिंदगी तो समझ लो सुख तो उसको नहीं मिलेगा। तो इन सब धरातलों को अगर हम ये देखें और दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं हम कि जिस युग में हम जी रहे हैं वो इतना बदल गया कि पुराने युग के काम आज अपने कपड़ा मिले क्यों बंद है, कितने लोग बेरोजगार हो गए उनके चक्कर में, क्योंकि वो बदलने को तैयार नहीं समय के साथ। ये भी हमारे को समझना पड़ेगा। कई मिले आज आपकी चमड़ा मिले हैं, इतनी बड़ी सारी कारखाने थे हटाने पड़े दूसरी जगह गए, लेकिन इन चीजों को भी हम देखें समय के साथ हम कितना परिवर्तन करने को तैयार हैं। जो नहीं होगा वो पिट जाएगा। आज बेरोजगारी की आधी समस्याएं इसलिए हो गई कि हम अलग अलग क्षेत्रों में समय के साथ बदलने को तैयार नहीं है। कोई भी व्यवसाय आप लेके देखिए 10-20 तरह के परिवर्तन वहां हो गए, हम तैयार, जहां भी हम बदलने को तैयार नहीं है, जहां भी हम मान लो अड़ गए तो वही हम समझ लो विकास हमारा रुक जाएगा। लेकिन हम नहीं रुकेंगे, संघर्ष में पीछे नहीं रहने वाले। अभी सुना आपने काला कानून की लड़ाई में तो बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ होगा, पर वो नुकसान तो पैसे का है ना। लक्ष्मी जो है वो अंधेरे में आती है, गरुड़ हम तीर मार के चलते हैं क्योंकि उसको उल्लू को उजाले में दिखता नहीं है। लक्ष्मी के सारे काम काज सब अंधेरे के, इसलिए हमें तो जाती भी तो अफसोस नहीं होता। हमें तो विष्णु की जरूरत है तो उसके साथ वो अपने आप रहेगी। हम तो दृष्टि बदल के बात कर रहे हैं। इसको हम सच सही कह रहा हूं कि हमको छत्तीसगढ़ में खूब लड़ाई लड़नी पड़ी सरकार के खिलाफ। हम सुप्रीम कोर्ट में जीत के आए, राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ जीत के आए, मध्य प्रदेश सरकार को कानून विधानसभा में वापस लेना पड़ा, राजस्थान सरकार को भी लेना पड़ा। मास्टर प्लान के लिए हमने बाई नेम हाईकोर्ट में रिट लगाई सरकार के खिलाफ और हमको फैसला हमारे पक्ष में हुआ, जो आज तक सरकार के हाथ पांव बांधे बैठा है। उन जो मनमर्जी से चल रहे थे, अफसरशाही बोलिए, लाल फीताशाही बोलिए, दादागिरी बोलिए, उन सब पे हम ब्रेक लगाने के लिए तैयार हैं, हमेशा लड़ते हैं। और वो इसीलिए कि जनता को हमारे ऊपर भरोसा भी है और जहां जरूरत पर साथ खड़ी रहती, सब लोग साथ खड़े रहते। जब सलवा जोड़ून के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ी नक्सलियों के खिलाफ वहां छत्तीसगढ़ सरकार से, तो सब हमारे साथ थे। उसमें भी हम सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ जीत के आए, सरकार को जबरदस्त ठेस पहुंची, उनके तो आईजी डीजीपी सबको उनको बदलने पड़ गए। तो हम फाइनली फिर वहीं आते हैं कि यहाँ जिस इस दृष्टिकोण को मैं सबसे पहले बात क्लियर करना चाह रहा था कि हम जिस कानपुर का सपना देखें, पहले मुझे उसकी नींव तैयार करनी है। वो नींव मेरे नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को सबसे पहले मुझे तैयार करना है कि वो जो नए मकान बनेंगे नई पीढ़ी के लिए आने वाले समय में, डिजाइन कैसे भी हो पर मकान नहीं हिल सकते, तो वहां से हम शुरू करना चाहते हैं। सपना क्या है? सपने तो सबके अलग अलग होंगे, उसकी भी बात करें। उसमें जहां भी हमारी जरूरत है हम खड़े हैं, जहां आपको जरूरत लगती है हमारी टीम को आप एक फोन करिए, हमारे लोग आपके घर आएंगे, ऑफिस में आएंगे, जहां आपकी जरूरत है आपकी सारी समस्याओं पर चर्चा करेंगे, सरकार तक जाना है तो भी लेके जाएंगे, हमको संघर्ष करने में आपके साथ खड़ा रहना है तो भी रहेंगे। लेकिन जो भी आपके सपनों का एक शहर है, और शहर तो क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं भी कानपुर, मेरा कानपुर नहीं, मैं कानपुर, तब जाके उस सपने का एक अर्थ होगा। तो हम उसी सपने पर चलें। मैंने थोड़ा समय ज्यादा लिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आज थोड़ी शुरुआत से दिक्कत हो रही थी, ट्रैफिक में भी हम फंस गए, तो फाइनली पुलिस की गाड़ी को रिक्वेस्ट करके कहा हमको किसी तरह पहुंचाओ, नहीं तो हम और लेट हो जाएंगे। तो आप लोग पहले पहुंच गए तो उनसे भी मैं क्षमा मांग लेता हूं, पर मैं स्वतंत्र नहीं था अपने निर्णयों में। आप अपने काम करें तो एक दोनों तरफ से एक 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 अपना परिचय देते, दो दो लाइन में ये बताएं उनको क्या लगता है कि ये चीज होगी तो कानपुर अच्छा होगा या नहीं, हट जाएगी
मिट जाएगी, दूर हो जाएगी, तो कानपुर अच्छा हो जाएगा। आपका अपना एक सपना तो होगा ही, हम आज उस सपने को ही मूर्त रूप देने की बात करें थोड़ा, लेकिन अच्छा तो ये रहे, संक्षिप्त रहे ताकि सबको बोलने का एक अवसर मिल जाए और भूमिका ही नहीं बनाए। असल में टाइम होता है कि बात दो में, दो चार सेंटेंस में होती है, पर भूमिका में 20 सेंटेंस लग जाते हैं, तो उससे दूसरों का थोड़ा अपमान लगता है कि दूसरों को हम रोकेंगे, तो ऐसा नहीं, सबको सम्मान के साथ अवसर मिले और हम अपनी अपनी बात करें। निश्चित मानेंगे आप आज जो बात करेंगे, सारे के सारे मुद्दे सार्वजनिक रूप से हम उठाएंगे और कहीं न कहीं निष्कर्ष तक अवश्य पहुंचेंगे। नमस्कार।